हाँ तो जी नमस्कार। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि नया वर्ष आने वाला है और ये पिछला वर्ष जाने वाला है, तो आज मैं जो अपने लफ्जों से कुछ चंद शब्द आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, अगर इनका जरा भी आपको अच्छा ही नजर आए तो आप इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपने जीवन में इसे उभार कर देखिएगा कि यह वास्तव में क्या आपके जीवन में टर्निंग लाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह नया वर्ष मेरा एक साल कैसे बचेगा, ठीक ना, कैसे बचाए। बचाने का मतलब आपका लाइफ एक वर्ष ज़्यादा बढ़ जाएगा जीवन, वैसा बात नहीं है। अपने लाइफ को आप कैसे यूज करेंगे ये चीज आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आप जितने भी पिछले वर्ष हो चुके हैं उससे ज़्यादा अनुभवी हो चुके हैं, ठीक ना। इस वर्ष अब जो आने वाला है, जितने भी वर्ष आप जीत चुके हैं अपने जीवन के उससे ज़्यादा अनुभवी हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, ठीक ना। इसलिए आप जो भी करेंगे पिछले वर्ष के ज़्यादा मुताबिक होगा कि आप अच्छे करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले ये नए वर्ष में अपनी कुछ बुराइयाँ, जो भी आपकी बुराइयाँ हो, जैसे नशे का लत हो सकता है, ठीक ना, कोई अन्य लत हो सकता है, तो उसे बुराई को त्यागने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने अंदर कुछ अच्छाइयों को लाने का कोशिश कीजिए, जो भी आप लाना चाहते हैं, ठीक ना, तो उन अच्छाइयों को लाने की कोशिश कीजिए। अब किसी विद्यार्थी को 10th देना है, किसी को इंटर देना है, किसी को आर्मी की नौकरी लेना है, किसी को एयरफोर्स की, किसी को नेवी की, और किसी को फौज में जाना है तो किसी को SSC पास करना है, ठीक ना, किसी को रेलवे में जाना है तो किसी को IAS बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी व्यक्ति को अपने जीवन के उच्चतम श्रेष्ठ को प्राप्त करना है, किसी को नया घर लेना है, किसी को नई शादी करनी है, किसी को नया परिवार बसाना है, अनेक अनेक व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से काम करने हैं, किसी को मांसाहार त्याग करना है तो किसी को शाकाहार बनना है, ठीक ना। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई अपना कार्य करना है इस नए वर्ष में, आपने सोचा होगा। तो इन सब जितने भी आप कार्य करेंगे ना, उससे फुल डेडिकेशन, पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ, वह कार्य इतने अच्छे तरीके से होगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी करते हैं आप इस नए वर्ष में, जो भी करने का निर्णय लिया है, ठीक ना, चाहे आप परिवार बसाने का निर्णय लिया है, चाहे आप नौकरी पाने का निर्णय लिए, चाहे आप नया घर लेने का निर्णय लिए, चाहे आप नया गाड़ी लेने का निर्णय लिए, जो भी आप निर्णय लिए हैं, 10th देंगे, 12th देंगे, नौकरी लेंगे, कुछ भी करेंगे, उसे फुल्ली डेडिकेशन के साथ कीजिए। क्या बात बोली मैंने, डेडिकेशन, पूरी निष्ठा, पूरा श्रद्धा, सब कुछ झोंक दीजिए उसमें, ठीक ना, सारा कुछ निष्ठा के साथ कीजिए। मैं यकीन से बता रहा हूँ, वह कार्य इतने अच्छे तरीके से होगा जिसकी आप फिर से कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, ठीक ना। और मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य करने चाहिए। अगर आपको ये बातें दिल तक छू जाए ना, तो प्लीज़ अपने लाइफ में इस बातों को उपयोग कीजिएगा। पहली चीज़, नए वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, ठीक ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन किसी ना किसी व्यक्ति की मदद करनी है, चाहे वह बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो जो किसी भी तरह से असमर्थ हो, उसकी मदद कीजिए। प्रत्येक दिन किसी ना किसी व्यक्ति की मदद कीजिए, उससे आपकी आंतरिक अनुभूति होती है, खुशी का अनुभव मिलता है, ठीक ना, आंतरिक दिल को शांति मिलती है। दूसरा चीज, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, इसके लिए आप सुबह शाम टहला कीजिए, प्रत्येक दिन सुबह शाम टहला कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आपको मालूम ही होगा कि वह जो है ना, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, उसी प्रकार आपको स्वस्थ सुबह शाम टहलने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए ही टहलिए, लेकिन टहलिए। अपने तीसरी चीज को क्या करना है कि इस नए वर्ष में सभी परिचितों से आप मिलिए, चाहे आप फोन से बात कर लीजिए, चाहे आप उनके पास जाके मिलिए, लेकिन परिचित के साथ मिलिए, जितने भी दोस्त आपके रूठे हुए हैं उसे मनाइए, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है नए वर्ष में, आपको अपने जीवन के पिछले लम्हों को याद करना है कि मैंने अपने जीवन के पिछले लम्हे किस प्रकार बिताए, किस प्रकार वे गए, उनमें क्या कमियां थी जो इस वर्ष नहीं होनी चाहिए, उनमें क्या बुराइयां थी जो इस वर्ष नहीं होनी चाहिए, और उनमें क्या अच्छाइयां थी जो उससे ज़्यादा बेटर मैं इस वर्ष कर सकता हूँ। आप अपने जीवन के अनुभव को लीजिए, पिछले वर्ष जितने भी बिताए हैं उन सभी जीवन से अपने जीवन के अनुभव लीजिए, ठीक ना। और एक चीज़ करना है कि अपने क्रोध, आपका क्रोध को त्याग करना है, गुस्सा को त्याग करना है, घमंड का त्याग करना है। अगर आप इन सभी चीज़ों से मुक्ति पा लेते हैं तो आप एक परफेक्ट इंसान बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एक इससे भी ज़्यादा परफेक्ट इंसान, एक अद्भुत व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको इन तीन चीज़ों का त्याग करना होगा। पहली चीज़ क्या है कि आपको
अपने जो मृत्यु का डर है इसे मन से बाहर निकाल देना होगा, ठीक ना। आप ना इसे दिए हैं ना यह आपके हाथ में है, तो इसका भय आप अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे कितना रिस्क होगा, ठीक ना। इन सब चीजों से भय को निकाल दीजिए। दूसरी भय क्या है? आपका अपमान का भय कि लोग क्या कहेंगे। किसी भी कार्य को करने वक्त यह भय अपने मन से निकाल दीजिए। दो चीजें हो गई, लोग क्या कहेंगे, मृत्यु का भय, और तीसरा भय है आपको अपने पद का भय कि अगर मैं इस कार्य को करता हूँ तो मेरा पद खतरे में आ सकता है, ठीक ना। तो जो भी काम करते हैं अगर वह नहीं मानेगा आपकी बात तो मेरा पद खतरे में आ सकता है, यानी कि आपका पोजिशन, पोस्ट आपका हाथ से जा सकता है। वह व्यक्ति आपकी दिल की बातों को, दिल के कामों को काम करने से रोकेगा। तो इस चीज से बाहर निकलिए, ठीक ना। और सबसे बड़ी चीज है मृत्यु का भय, उसे त्याग अगर आप कर लिए तो आप जीवन में कहीं भी किसी भी छोर पे जा सकते हैं, क्योंकि अब आपके सामने कोई डर नहीं है, सबसे बड़ी डर ही आपके निकल चुकी है। तो इस नए वर्ष में इन चीजों को फॉलो करके देखिएगा, आपके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ सकारात्मक पहलू आएंगे। और इसी के साथ मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। दूसरों तो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बातें मैं फिर कभी नहीं बताता हूँ। धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है।